अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है बेटा, हम क्लास 4 में हैं, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है और यूनिट हमारा फर्स्ट है। तो बेटा हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को पढ़ा था, समझा था हमने चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो बेटा अब हमारा असाइनमेंट नंबर 3 है, वीक 3 है और डे 5 का काम हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 5। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। आंसर है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर 1 मिनी कंप्यूटर, नंबर 2 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। आंसर है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड अमंग मल्टी एनवायरनमेंट यूजर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। दे आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर फाउंड इन ऑफिसेस, स्कूल्स एंड होम्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। दे आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर। Answer, there are 5 generations of computers. Number 1, first generation, 1941 से लेकर 1955 तक ये रही। Number 2, second generation, 1956 से 1964 तक ये रही। Number 3, third generation, 1965 से 1975 तक रही। Fourth generation, 1976 till present. Fifth generation, present onwards. Question number 5, what are the 3 basic functions of computer? Name them. Number 1, input. नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे बेटा। ये आपको अपने असाइनमेंट में करने हैं, उसके बाद आपको कॉपी में कॉपी करने होंगे। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।